नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक जलंधरा, श्रीगंगानगर राजस्थान से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कभी कभार पोइट्रीज लिखता रहता हूँ। अगर आप सभी लोगों को नहीं पता तो मेरे दोस्तों को ज़रूर पता है कि मैं कभी कभार पोइट्रीज लिखता हूँ, और इसे मैं मोस्टली अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करता हूँ। और एक बार मैंने पुलवामा हमले पर लिखा था, जिसे अपने मैंने फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया था, और अपना यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर भी मैंने इसे अपने पोस्ट किया था। तो इस बार मैंने दशहरे पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है, जो कि इस चीज़ पे बेस्ड है कि आज आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं रावण जो है वो भी मरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा है किसी न किसी रूप में। और इस बार जो मैंने पंक्तियाँ लिखी है, ये पंक्तियाँ इस चीज़ पर तो जरूर बेस्ड है कि रावण सभी में जिंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पंक्तियाँ हैं, ये धारा 497 जो कुछ समय पहले अपने इंडिया में लगी थी, उसके ऊपर भी ये बेस्ड है कि जो 497 लगी थी उस पर कहीं ना कहीं ये बेस्ड है। तो इसे मैंने उससे भी थोड़ा रिलेट किया है। तो सुनिएगा कि ये पंक्तियाँ किस तरीके की है, कैसी है, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो इस बार मैंने पोइट्री लिखी है उसका टाइटल है रावण अभी जिंदा है, कि रावण सभी में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो ये कुछ इस तरीके से है। आज दिन ये दशहरे का मेरे अंदर का रावण अभी मरा नहीं। आज दिन ये दशहरे का मेरे अंदर का रावण अभी मरा नहीं। जिस राम की खोज में मैं निकला था वो राम मुझे अभी मिला नहीं। जिस राम की खोज में मैं निकला था वो राम मुझे अभी मिला नहीं। सोचता था कि सिर्फ मेरी यही हालत है। सोचता था कि सिर्फ मेरी यही हालत है, मेरे अंदर का रावण अभी जिंदा है। सोचता था कि सिर्फ मेरी यही हालत है, मेरे अंदर का रावण अभी जिंदा है, लेकिन राम मुझे कहीं दिखा नहीं। लेकिन राम मुझे कहीं दिखा नहीं। आसपास नज़र दौड़ाई तो पता चला कि दहन तो सिर्फ राम का हुआ है। आसपास नज़र दौड़ाई तो पता चला कि दहन तो सिर्फ राम का हुआ है। रावण सभी में जिंदा है। रावण सभी में जिंदा है। सबकी नज़र है दूसरों की सीता पर। सबकी नज़र है दूसरों की सीता पर। हरण हर कोई करना चाहता है। गौर फरमाइएगा इस लाइन पे ज़रूर, कि सबकी नज़र है दूसरों की सीता पर। हरण हर कोई करना चाहता है। हरण हो भी जाए तो क्या है। हरण हो भी जाए तो क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह कौन वापस लेने आता है। हरण हो भी जाए तो क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह कौन वापस लेने आता है। आज का राम यही सोचता है। जरूर रावण और सीता में सांठ गांठ होगी। आज का राम यही सोचता है कि जरूर रावण और सीता में सांठ गांठ होगी। मेरे यहाँ खुश नहीं थी। मेरे यहाँ खुश नहीं थी। जरूर रावण के यहाँ अच्छी ठाट बाट होगी। मेरे यहाँ खुश नहीं थी। जरूर रावण के यहाँ अच्छी ठाट बाट होगी। सीता को रावण से मिला हुआ पाकर राम भी अथक प्रयास करना छोड़ देता है। सीता को रावण से मिला हुआ पाकर राम भी अथक प्रयास करने छोड़ देता है। वो मुझे छोड़ कर गई, क्यों मैं उसे लेने जाऊँ। वो मुझे छोड़ कर गई, क्यों मैं उसे लेने जाऊँ। ऐसा सोचकर थोड़ा रो लेता है। अब तो राम ने भी प्रयास करना छोड़ दिया है। क्योंकि दहन तो सिर्फ राम का हुआ है। रावण तो सभी में जिंदा है। रावण तो सभी में जिंदा है। थैंक यू। जय हिंद।